पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणि। ओम शांति शांति शांति। नारायण। हम लोग पंचदशी ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण 158 नंबर श्लोक तक विचार हुआ। कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही ईश्वर है, ऐसा ऐसा सर्वेश्वर प्रज्ञान घन यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः एषो अंतर्यामी। ये सब श्रुति कहती है। आओ, इसलिए ईश्वर के विषय में श्रुति प्रमाण है। और श्रुति को मान करके अब अनुमान भी कर सकते हो। जगत सकर्तृकम् कार्यत्वाद् घटवत्। ये संपूर्ण जगत एक कार्य है, इसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। बिना कारण से जगत तो उत्पन्न होगा नहीं, ठीक है। अनुमान जो भी किया जाता है श्रुति के आधार पर किया जाता है ना। इस तद ज्ञान यत्ने नहीं, वो कहते हैं ना उदानाचार्य, उदानाचार्य कार्य योजना धृत्यादि पदात् प्रत्ययत श्रुते वाक्या संख्या विशेषाच साध्यो विश्ववित अव्यय। उदनाचार्य उसने ईश्वर को सिद्ध किया अनुमान से, बड़ा सुंदर। उनका एक ग्रंथ है न्याय कुसुमांजलि। क्या ग्रंथ है? हाँ, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसने ईश्वर को सिद्ध किया अनुमान से, ठीक है ना। अच्छा, 159 देखो। ननु आनंदमयस्य सर्वज्ञत्वादिकं अनुभव विरुद्धम इति आशंक्य आह। जो आनंदमय जो कोश है वो कारण अविद्या है, माया है। वो माया में जो प्रतिबिंबित चेतन वो है ईश्वर। माया को लेकर तो ईश्वर है ना। आनंदमय कहने से वो माया लो, माया में रहने वाला कौन है? वो ईश्वर है। वो माया रूपी उपाधि को लेकर ईश्वर होता है ना। माया बिंबो वशीकृत्य तामसात सर्वज्ञ ईश्वर। माया को लेकर परमात्मा जगत का कारण है, वो सर्वज्ञ है। समझ में ना।
लेकिन वो जो सर्वज्ञ कह रहे हो परमात्मा को, ये तो अनुभव में हमको आ नहीं रहा है। अनुभव से ये विरुद्ध है ना? ऐसी आशंका करके कह रहे हैं, देखो ये कोई जरूर नहीं है कि तुम्हारे अनुभव में आएगा तब जाकर माना जाएगा। बहुत चीज़ें होती है अनुभव में नहीं आता है, लेकिन मानना पड़ता है। समझ में है ना? कि जो है तुम्हारे पिताजी 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 के थे वो, क्या क्या देखा आपने? अनुभव है क्या? 10 पीढ़ी से पहले कोई था कि नहीं था? था कि नहीं? आपने देखा, अनुभव है? कैसे मान लिया? कैसे मान लिया? उसके कार्य को देख कर, कार्य को देख करके, अथवा माता बोल रही है कि ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे दादाजी है, हाँ तुम्हारा अनुभव है, तुम तो कहाँ पर थे क्या पता नहीं उस टाइम, तो कैसे मानते हो? ये कोई जरूर नहीं है कि अनुभव हो तब ये माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं श्रुति जो कह दिया वही मानने योग्य है, उसमें तर्क नहीं किया जाता है। नहीं सा तर्केण मतिरा अपनेया, तर्क के द्वारा सत्य का ज्ञान तर्क मात्र से सत्य का ज्ञान नहीं होता है, अदृष्ट का ज्ञान नहीं होता है। 159 देखो, सर्वज्ञत्वादिकेतस्य नैवाभिप्रतिपद्यताम्। श्रोतार्थस्यावितर्क्यत्वान् मायायां सर्वसंभवात्। पढ़िए। श्रोतार्थस्य मायायाम सर्वसंभवा। इसको मेरा इसको बंद कर दिए, थोड़ा भी पहले खुला था। कहते हैं कि देखो तस्य सर्वज्ञत्वादिके, तस्य कहने से ईश्वर से, माया को लेकर के जो ईश्वर है जिसमें सारे कोश रहते, आनंदमय आदि जो कोश है, ठीक है ना? बुद्धि का जब सब, बुद्धि की वासना वगैरह जो भी है कहाँ है? माया में तो है, कारण है माया। उस माया में जो रहने वाला वो चेतन ईश्वर है, वो ईश्वर में क्या है? सर्वज्ञत्वादि आदि से क्या लेंगे? सर्व सर्वशक्तिमत्ता, अंतर्यामित्व, फलदात्रित्व, वही तो है, उत्पत्ति स्थिति शक्तिमत्व आदि से लीजिए, सर्वज्ञत्वादि है ना? सर्वज्ञत्व कैसे विग्रह करोगे? कैसे करेंगे? सर्वज्ञत्वादि क्या बोल दिया ना? सर्वज्ञत्वम आदिर यस्य, बताओ ये शाम ते सर्वज्ञत्वादि कहा, क प्रत्यय आ जाएगा, शेषाद विभाषा, हो गया? एक वचन यदि करेंगे तो सर्वज्ञत्वादि क, सप्तमी एक वचन में सर्वज्ञत्वादि के, मतलब सर्वज्ञत्वादि के विषय में, सप्तमी है, विषय में बी प्रतिपद्यताम नैव, बी प्रतिपद्यत ना करो, मतलब क्या? इसका तुम विवाद ना करो, हम नहीं मानेंगे, हमारा तो हमको अनुभव नहीं हो रहा, ईश्वर को किसने देखा है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कोई है, वही जगत को चला रहा है, ऐसी शंका ना करो। बी प्रतिपद्यताम मतलब नैव शंक्यताम, ठीक है? मतलब क्या? अनुभव में न आने पर, सुंदर नारायण, अनुभव में न आने पर उसके विषय में शास्त्र जो कह दिया उसके विषय में
क्या ना करो, शंका मत करो, ज्यों का त्यों मानो। नहीं मान, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। समझ में। हम लोग एक बार पढ़ रहे थे नारायण, काशी जी में पढ़ रहे थे, और जो है एक दर्शन सर्वस्व ग्रंथ है, दर्शन सर्वस्व ग्रंथ चल रहा था, जो खंडन खंड खाद्य के ऊपर लिखे हैं ना, शंकर चैतन्य भारती जी महाराज लिखे हैं, बड़ा सुंदर लिखे हैं। तो एक महात्मा पढ़ रहे थे, एक महात्मा जी पढ़ रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पंक्ति नहीं बैठ रही है उनको, तो थोड़ा अभिमान था उनको, महात्मा जी को। तो वो प्रणाम भी नहीं करता था वो, क्या हाँ वो गुरु जी ब्रह्मचारी है और वो सन्यासी है, वो प्रणाम भी नहीं करता था। तो बुद्धिमान तो था लेकिन अभिमान खूब दया था। तो जो है पाठ में बोल दिया नारायण कि ऐसा कैसे लिख दिया, क्या वो क्या बोल दिया वो महात्मा जी, ऐसा कैसे लिख दिया। तो फिर जो है गुरुजी तो बहुत बिगड़ गए उसके ऊपर, हैं उसके ऊपर जो है बिगड़ गए, बिगड़ गए मतलब ऐसे नहीं बिगड़ते कभी, लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए बिगड़ गए। तो उनके उनसे कहे तुम उसके बारे में क्या जानते हो, तुम तो नहीं बोले, आप ही बोलते थे, तो आप क्या जानते हो उसके विषय में, महाराज के विषय में आप कुछ जानते हैं, तुम आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब ग्रंथकार की गलती है। उनसे कहे आप 10 बार पूछो हमसे, क्या आप हमें 10 बार पूछो, जितना बार पूछो कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे, लेकिन ग्रंथकार के ऊपर ऐसा कभी आक्षेप हाँ नहीं करना तो ये होता है, इसलिए शंका ना करो। तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है तब भी शास्त्र जो कह दिया उसके विषय में क्या है विवाद ना करो, शंका नहीं करो, प्रामाण्य के विषय में शंका नहीं, ठीक है ना। क्यों भाई नहीं करना है, क्योंकि श्रोतार्थ है ना, ये कैसा है श्रोतार्थ, श्रुतौ भव इति श्रोतः, श्रोतश्चासौ अर्थ श्रोतार्थ, मतलब शास्त्र में जो प्रतिपाद्य विषय है उसको कहते हैं श्रोतार्थ, क्या कहेंगे श्रोतार्थ, जो श्रोत अर्थ है उसके विषय में अवितर्कत्वा, उसके ऊपर तर्क ना करो। हाँ अनुकूल तर्क करेंगे तो चलेगा, क्या समझ में, हाँ श्रुति अनुकूल तर्क तो मानते हैं, श्रुति विरुद्ध तर्क कभी नहीं करना चाहिए, समझ में ना। इसलिए बोले कैसे हुआ भी ये सारे जगत को बना दिया कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, ये कैसे हुआ, माया यम सर्वसंभव, अरे माया से सब हो जाता है, क्या माया का ही स्वभाव है, असंभव को संभव करना यही तो माया का स्वभाव है। सच में ना। ठीक है देखो, कुत इत्यतः, भाई क्यों शंका नहीं करनी है कि श्रोतार्थ, उत्तर क्या दिया श्लोक, ये श्लोक में श्रोता, तो शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये श्रोत अर्थ है, समझ में ना, क्या है श्रोत अर्थ है, इसलिए इतोपि न प्रतिपत्ति, न प्रतिपत्ति ही कार्य, और इस कारण से भी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि माया से संभव है, क्या माया से सब संभव होता है, समझ में ना। बहुत लोग शंका करते हैं, एक स्वामी जी भी थे वो भी ऐसे बोलते थे, अरे भी हनुमान जी को कैसे ज्ञान हुआ, क्या हनुमान जी तो बंदर है, वो बंदर को कैसे ज्ञान हुआ, हाँ वो उनका गोत्र कपि गोत्र है, क्या उनका गोत्र क्या है, हाँ ना कपि बोलते ना, कपि कपि बोलते हैं हनुमान जी को, अरे वे कपि इसलिए कहते हैं उसका गोत्र कपि था इसलिए कपि गोत्र, ऐसे अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं लोग,
सुन रहे ना? कपि ध्वजा कहा, क्या कहा है? तो कपि ध्वजा मतलब ऐसा नहीं कि जो उसके ऊपर कोई कपि बैठा हो, ऐसे ऐसा अर्थ करते हैं, है ना? तो एक दिन कहा गया, हनुमान जयंती होती थी ना, हनुमान जयंती उनको बुलाते थे स्वामी जी को, तो ये कहते थे वो आते ही। हाँ, एक दिन कहा भी गया, स्वामी जी माया से क्या नहीं हो सकता है? क्या एक संत ज्ञानेश्वर जो भैंस से वेद बुलवा सकते हैं? क्या क्या समझा? भैंस से कोई वेद बुलवा सकता है कि नहीं? वो तो भगवान शंकर का अवतार है, उससे क्यों नहीं हो सकते हैं? असंभव को संभव करना, ये तो माया का स्वभाव है। इसको कहते हैं बुद्धिवाद। क्या कहते हैं? जो अपने को अच्छा लगता है उसको मानो, और अपने को जो अच्छा नहीं लगता उसको काट लो। ऐसा है क्या? सविशेष को अच्छा लगता है सविशेष को मानो, और निर्विशेष अच्छा नहीं लगता निर्विशेष को ना मानो, ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये इसके ये कुतर्क कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, जो ही भगवान व्यास जी ने पुराण वगैरह सब लिख दिया, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, वही तो ब्रह्मसूत्र भी लिखा है कि नहीं? समझे? दोनों बार से देखो, निर्विशेष को ये मानना होता है क्या? सविशेष को ये मानना है, हमको अच्छा लगता है इसलिए सविशेष को मानेंगे, और निर्विशेष लिखा है उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है, नहीं तो अद्वैत वेदांती बोलेगा हम निर्विशेष को तो मानेंगे, लेकिन सविशेष को नहीं माने, एक अद्वितीय को मानेंगे, लेकिन हनुमान जी को हम क्या, हनुमान जी को नहीं मानेंगे, लंका दहन कर दिया उसको हम नहीं मानेंगे, ये सब नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो, सविशेष भाई व्यवहारिक है और निर्विशेष पारमार्थिक है, ये तो कह सकते हो, है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, निर्विशेष भी है और सविशेष भी, ये समझना पड़ता है। ठीक है, चलो ननो 160 में, अनुकूल युक्ति अभावे श्रुतिरपि ग्रावप्लव वाक्यवद। ये देखो अब वो कह रहे एक अर्थवाद से, टीका में कहाँ है? टीका तो हो गया ना, टीका हो गई नारायण, टीका में एक ही वाक्य वाक्य था वो हो गया। ननो ननु अनुकूल युक्ति अभावे श्रुतिरपि ग्रावप्लव वाक्यवत अर्थवाद स्यात्। देखो क्या बोलते हैं, अनुकूल युक्ति अभावे, अरे भी अनुकूल युक्ति जब है ही नहीं तो श्रुति जो भी कह देगा थोड़ी माना जाएगा। श्रुति जो कह रही है उसमें कुल अनुकूल दृष्टांत युक्ति तो होनी चाहिए ना, तब तो श्रुति को माना जाएगा। कहते ग्रावप्लव वाक्यवत, अरे पत्थर तैर रहा है नदी में, पत्थर तैर रहा है जल में न, पत्थर ग्रावक प्लांग, ग्रावण किसको कहते हैं? पत्थर, पत्थर पत्थर तैर रहा है, तो इसका लो पत्थर तैर रहा है क्या है? हाँ? उसका तात्पर्य को समझना का, स्तुति की गई, अरे पत्थर बहुत हल्का है, क्या समझे? पत्थर बहुत हल्का है इसलिए कहते पत्थर वो तैर रहा है। समझ में गए? जहाँ पर विरोध होता है उसको क्या माना जाता है? अर्थवाद माना जाता है, दूसरे में तात्पर्य माना जाता है, इसको कहते हैं अर्थवाद। क्या कहते हैं? अर्थवाद का है तो अर्थवाद जानते हैं? हाँ, प्राशस्त निंदा अन्यतर पर वाक्यम अर्थवाद, स्तुति हो अथवा निंदा हो, ठीक है, जो निषिद्ध साधन है, जो निषिद्ध पदार्थ है, जो पाप का हेतु है, जो अपराध साधन नहीं है, है ना, उससे निवृत्त कराने के लिए उसकी निंदा की जाती है। समझ में है ना? और साधन में प्रवृत्त कराने के लिए उसकी स्तुति की जाती है। विरोधे गुणवाद स्यात्, जानते हैं? अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तथानात् अर्थवादस् त्रिधामत्।
ये तीन प्रकार का अर्थ हुआ स्तुति परक, है ना। तो स्तुति परक जो अर्थवाद होता है वो तीन प्रकार, विरोधे गुणवाद स्यात, है ना। प्रमाणांतर से यदि विरुद्ध होता हो उस वाक्य को कहा जाता है गुणवाद। क्या कहते हैं? गुणवाद। विरोधे गुणवाद स्यात, श्लोक है, अर्थ संग्रह में आया। बोल रहा हूँ, लिख रहे हैं। तो विरोधे गुणवाद स्याद, ठीक है। वो ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं ना, विरोधे गुणवाद स्याद, ये श्लोक है। दूसरा पद देखो, अनुवादो अवधारिते, अनुवादो अवधारिते, अनुवादो अवधारिते, हो गया। ये प्रथम वाक्य हो गया। उत्तरार्ध है देखो, भूतार्थवादस, भूत, अरे भाई इसलिए तो धीरा बोल रहा हूँ। इसलिए तो धीरा बोल रहा हूँ, फिर बोल देता हूँ। देखो, विरोधे गुणवाद स्याद, विरोधे गुणवाद स्याद, अनुवादो अनुवादो अवधारिते, अनुवादो अवधारिते, है ना। पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध, भूतार्थवादस, भूतार्थवादस तत्हानाद, तत्हानाद, सकार दंत है, भूतार्थवादस तत्हानात, अर्थवादस त्रिधा मता, अर्थवादस त्रिधा मता, अर्थवादस त्रिधा मता। जो स्तुति पारक जो अर्थवाद लिख दिया ना भैया, अब अर्थ बताता हूँ, समझ लो। अर्थवादस्त, हाँ ठीक है, भूतार्थवादस, भूतार्थवादस दंत सकर, भूतार्थवादस तदहानाद, तदहानाद अर्थवादस, अर्थवादस त्रिधा मतः, त्रिधा मतः, है ना। देखो, स्तुति परक जो अर्थवाद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला कह दिया कि गुणवाद, है ना नारायण। पहला क्या है? गुणवाद। गुणवाद उसी को कहा जाता है विरोधे, है ना। जो आप कह रहे हो श्रुति वाक्य जो कह रहा है ना, यदि अन्य प्रमाण से विरुद्ध होता हो, क्या समय है? अन्य प्रमाण से यदि विरुद्ध होता हो उसको क्या कहते हैं? गुणवाद। क्या कहेंगे? गुणवाद कहा जाएगा, है ना। जैसे आदित्यो यूपह, आदित्यो यूपह, है ना। जैसे यूप कहते हैं ना, यूप, यूप मतलब खम्बा, जहाँ पर बछड़े को बांधा जाएगा, है ना। उसमें बांधना है बछड़े को, हाँ, उसको कह दिया आदित्य। क्या कह दिया? तो आदित्य थोड़ी है वो, आदित्य तो सूर्य भगवान ऊपर है वो, उसको आदित्य कैसे कह दिया? अरे भाई, उसके जो है ना, जो प्राशस्त्य है वो चमक रहा है, बढ़िया सुंदर दिख रहा है, कौन? खम्बा। फिर उसको आदित्य कह दिया। क्या कह दिया? क्योंकि आदित्य तो हो ही नहीं सकता, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है ना। उसको कहेंगे गुणवाद। क्या कहेंगे?
गुणवाद कहा जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, और अनुवादो अवधारित है, अनुवादो अवधारित, अनुवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुवाद। ये दूसरा अर्थवाद हो गया अनुवाद, जो कह रहे हो वो यदि दूसरे प्रमाण से निश्चित है, अवधारित, समझ में ना, उसको क्या कहा जाएगा, अनुवाद कहा जाएगा, क्या कह दिया जाएगा, अनुवाद। ये शास्त्र यदि संसार का कथन करेगा, क्या ज्ञान का ही कथन करेगा, वो तब जान रहे हो चक्षु प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है उसको यदि शास्त्र कहेगा तो क्या होगा, अनुवाद होगा कि नहीं होगा, व्यवहार भी हम देखते हैं, है ना। तो कह दिया कि अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है क्या है, भेषज है, दवाई की तरह है, किसके लिए, ठंडी, ठंडी को भगाने के लिए, कौन नहीं जानता है, नई बात क्या बोलिए आप, वो तो हम जानते ही है। इसी वगैरह संसार तो जान रहे हैं हम, है कि नहीं, ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, ये कौन नहीं जानता है, जानते हैं, उसी को शास्त्र कहेगा तो क्या होगा, अनुवाद नहीं हो जाएगा। इसलिए शास्त्र अज्ञात का ज्ञापन करता है, ज्ञात का ज्ञापन नहीं करते हैं, बस नहीं। ये नए लोग जो है इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, खूब बुद्धि लगाते हैं, और अंतोदगत्व क्या बोल दिया, आत्मा करता है, आत्मा भोक्ता है, कौन नहीं जानता है, वो तो हल चराने वाला भी जानता है, आत्मा करता भोक्ता है, तो अनुवाद नहीं हो गया है। ये जो नए लोग सब अनुवाद है, भले ही अवच्छेद अवच्छिन्न बोलते हैं, लेकिन नई बात तो कुछ बोलते नहीं है। पृथ्वी गंध वाली है, कौन नहीं जानता है, जल सीते कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं ना, तो इसके वो सब अनुवाद है वो। वेदांत अनुवाद किसी का नहीं करता है, समझ में आया। अच्छा, अनुवाद हो गया। तीसरा एक होता है नारायण, भूतार्थवाद, क्या कहते हैं, भूतार्थवाद क्या होता है, भूतार्थवादस्तधानात्, मतलब दोनों से रहित, दोनों से रहित, मतलब किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात भी नहीं है और अन्य प्रमाण से विरुद्ध भी नहीं हो, ऐसे कथन में कहा जाता है भूतार्थवाद, क्या कहेंगे, भूतार्थवाद कहते हैं। अर्थ संग्रह में सब है, जैसे मान लो कि भाई क्या उदाहरण है, जानते हैं, हाँ, वज्रहस्त पुरंदर, अरे भाई जिसके हाथ में पुरंदर के वज्र है, वज्र है, वो इंद्र है बोल दिया, क्या कह दिया, इंद्र है, इंद्र के हाथ में क्या है, वज्र है, वो इंद्र है जिसके हाथ में वज्र हो, जानते हैं किसी प्रमाण से, क्या बोलो, किसी प्रमाण से निश्चित है क्या, और विरुद्ध भी नहीं, वज्र आपने थोड़ी देखा हो है कि नहीं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, भूतार्थवाद, समझ में आया ना। तो कहते हैं कि श्रुति जो कह दिया भाई, हैं क्या कह दिया, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वही ईश्वर है, हैं ठीक है, तो ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उसके लिए कोई अनुकूल युक्ति तो है ही नहीं, इसलिए क्या कह दिया, ये तो अर्थवाद है, क्या ये अर्थवाद कह लो, ग्रावक लवक की तरह। ये शंका करने पर इति आशंक्य श्रुति प्रामाण्य सिद्ध है, क्या कहते हैं, श्रुति में ये प्रमाण है भाई, प्रमाण है कि नहीं, उसकी सिद्धि के लिए सर्वेश्वरत्वादिकम उपपादयति, हैं वो परमात्मा में क्या है, सर्वेश्वरत्व है, क्या है, सर्वेश्वरत्व है, अंतर्यामित्व है, इसको उपवादन करते हैं, देखो, अयम यत् सृजेत विश्वम, अयम यत् सृजते विश्वम, तत् अन्यथाइतम् पुमान, तदन्य ऐसा कर दो, तदन्यथाइतम् पुमान, ऐसा नहीं, तदन्य, हाँ, तदन्यथाइतम् पुमान,
आए भगवान। तदन्यता तदन्य तदन्य थैतम पुमान, तदन्यथैतुम पुमान हाँ, ना कोऽपि शक्तस्तेनायन् न कोऽपि शक्तस्तेनायम् सर्वेश्वर इतीरितः। सर्वेश्वर इतीरितः अयम् यत्सृजते विश्वम् तदन्यथैतुम् पुमान् न न कोऽपि कोऽपि स्तेनायम्। शक्तस्तेनायम् सर्वेश्वर इतीरितः। देखो भाई, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वेश्वर है, वो क्या है, वो सर्वेश्वर है। ये यदि सिद्ध हो जाए, हाँ बोलिए। हाँ है, ऐसा है। देखो, अच्छा वहाँ पर जो दिया है टिप्पणी की बात कह रहे हो, टिप्पणी में दिया है ग्रावा न प्लवंते इति वाक्यवत् अर्थवादो नाम, अर्थवादो नाम निंदा स्तुति बोधक वचनम है। देखो अर्थवाद दो प्रकार का पहले बोल दिया, क्या कह दिया, और पहले अर्थवाद को कहे, अर्थवाद किसको बोलते हैं, निंदा स्तुति बोधक वचनम, ये अर्थवाद का लक्षण हो गया। क्या कह दिया, निंदा स्तुति हाँ बोध इसको कहते हैं अर्थवाद, ठीक है। सच द्विधा, और वो दो प्रकार का है, एक हो गया भूतार्थवाद और दूसरा हो गया अभूतार्थवाद, ठीक है। देखो ये अलग तरीके से कह रहे हैं, है ना। पहले तो निंदा परक वाक्य, स्तुति परक वाक्य, उसको क्या कहते हैं, अर्थवाद कहा जाता है। इतना समझ में आया, अच्छा। सच द्विधा, वो दो प्रकार, सच कहने से किसको लेंगे, स्तुति परक वाक्य को लो। पर स्तुति परक वाक्य जो है वो दो प्रकार के, समझ लो भाई ऑनलाइन वाले, दो प्रकार, भूतार्थवाद और क्या है, भूतार्थवाद अभूता, नहीं अभूतार्थवाद, सुन रहे कि नहीं, नहीं आया, भूतार्थवाद सुना भूतार्थवाद और अभूतार्थवाद हो अभूतार्थ गया। किसका भेद किया, वो स्तुति पर स्तुति परक वाक्य का, स्तुति वचनम भूतार्थवाद। देखो स्तुति परक जो वाक्य है वो भूतार्थवाद कह दिया, जथा है वज्र बज्री इंद्र, क्या कह दिया, बज्री बोले बज्र हाथ, बज्र जिसके पास हो उसको कहते हैं इंद्र, सुन रहे हो। अच्छा ये किसका भेद किया है, भूतार्थवाद को, भूतार्थवाद स्तुति परक जो है भूतार्थवाद। पाषाण रूपा नहु इति इदम वाक्यम यथार्थ अयथार्थ बोधकत्वात् हैं अभूतार्थ इति भाव, क्या कह दिया, पाषाण रूपा नौ, नो नौका पाषाण की तरह है, ये कैसे, कौन सा कह रहा, अभूतार्थ नहीं, ऐसा है ना, इसको कह दिया, बताता हूँ। देखो यथार्थ अयथार्थ, यथार्थ यथार्थाय लिखा है, क्या लिखा है, यथार्थाय यथार्थाय, यथार्थ अयथार्थ बोधकत्व, अच्छा ठीक है, यथार्थ अयथार्थ बोधकत्व, यथार्थ को बोध किया और अयथार्थ को बोध किया, इसलिए अभूतार्थ। ये जो है ना, सुनो बताता हूँ, ये जो कह रहा है, ये जो हमने उदाहरण दिया ना, क्या उदाहरण दिया, ये जो है, ये जो है ना, ग्राहक नहीं, तीन प्रकार कहा ना हमने, कौन सा कहा, विरोधे गुणवाद स्यात् गुणवाद है कि नहीं, और अर्थवादो है ये अनुवाद अवधारित है। अनुवाद ये जो कह दिया पाषाण रूपा न हो, है ना, ये नौका पाषाण की तरह है, ये उसको लीजिए, इसको लीजिए, पहला विरोधे गुणवाद, किसको लेंगे, गुणवाद गुणवाद हुआ ना, जी
जो नौका वो पाषाण है क्या? है वो पाषाण है, तो अतः पाषाण रूपा न हो, है कि नौका पाषाण की तरह नौका है। तो यहाँ पर गुणवाद को लीजिए, किसको लेंगे? उसी गुणवाद को क्या ले लिया? और लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा, यथार्थ अयथार्थ बोधकत्व, यथार्थ को बोध किया और अयथार्थ को बोध किया, है ना? अभूतार्थवाद कह दिया ना, इसको कल कल देखते हैं। इसमें कुछ सभी पुस्तक में ऐसा है, यथार्थ और यथार्थ बोधकत्व, यथार्थ को बोध किया और यथार्थ को बोध किया, नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये किसका उदाहरण दिया? अभूतार्थवाद है ना, टिप्पणीकार ने जो कहा, इसको कल कल देखता हूँ मैं। एक को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? है अनुवाद अवधारित है, अनुवाद को छोड़ दिया ना, अनुवाद को छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ दिया। एक ठो टिप्पणी ऐसा क्यों लिखा फिर? हाँ ये तो मीमांसा ग्रंथ में है जो मैंने बताया, कहाँ पर? हाँ, नहीं, सबसे नीचे जो दिया है वो क्या लिखा है? यथार्थ और यथार्थ बोधकत्वात् अभूतार्थवाद है ना, तो वो जो अभूतार्थवाद दिया वो गुणवाद को दिया है। चल बैठो बैठो, कल उसको मैं सुधारूंगा, कुछ गड़बड़ है लग रहा है हमको। एक को छोड़ दिया ना, किसको छोड़ दिया? अनुवाद को छोड़ दिया टिप्पणीकार ने, एक अनुवाद को देना चाहिए ना। किसको? तीन, आपको तीन कह दिया कि नहीं? स्तुति के तीन भेद होते हैं, पहले तो दो भेद करो, एक निंदा परक वाक्य और एक स्तुति परक, दोनों को अर्थवाद कहते हैं, मीमांसा के अनुसार कहा जाएगा। ठीक है, मूल मूल सिद्धांत क्या है कि जो है अर्थवाद दोनों को बोलते हैं, स्तुति परक हो और निंदा परक। निंदा परक वाक्यों को भी अर्थवाद कहते हैं, स्तुति परक वाक्यों भी क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। स्तुति परक वाक्य वो तीन भेद हैं, किसके? स्तुति परक के तीन भेद होते हैं, मीमांसा में आया, अर्थ संग्रह में, न्याय मीमांसा प्रकाश में भी आया। हाँ स्तुति परक के तीन भेद होते हैं, क्या क्या? गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद है। ठीक है, अनुवाद भूतार्थवाद तो हो गया, और हाँ जो जो गुणवाद और अनुवाद है उसको यहाँ पर अभूतार्थवाद से ले रहा है। किसको ले रहा है? किसको? हाँ, गुणवाद और अनुवाद दोनों को किस में ले रहा है? हाँ, अभूतार्थवाद से ले रहा है, ये टिप्पणी कर रहा है। किसको? गुणवाद को और किसको? अनुवाद को, ये दोनों को अभूतार्थ शब्द से कह रहा है। सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन दोनों उदाहरण देना चाहिए ना फिर, क्या एक ही उदाहरण दिया है? ये जो पाषाण रूपा न हो है कि नहीं, तो ये तो गुणवाद में आएगा, किस में आएगा? गुणवाद में आएगा ना, सुन रहे हो? और अनुवाद को दिया नहीं फिर, ये एक और एक देना चाहिए था। टिप्पणीकार जो दिया है ये वज्रो इंद्र है, तो किसका उदाहरण हुआ? हाँ ये तो भूतार्थवाद हो गया, ये तो ठीक है, भूतार्थवाद श्रुति वचनम यथा वज्र इंद्र, ठीक है। और दो रह गए कौन कौन? अनुवाद और गुणवाद, उसको किस शब्द से ले रहा है? अभूतार्थवाद ले रहे कि नहीं ले? उसको भेद करना चाहिए ना, एक ही उदाहरण दिया है, तो कौन छूट गया? अनुवाद छूट गया फिर, आप समझ में ना? इसलिए ये थोड़ी गलती दिया है टिप्पणीकार ने, इसको कल देखते हैं फिर, कल देखेंगे। अच्छा है ना, ये शुक्ला जी कल फिर देखेंगे इसको। 160 है। हाँ, अयम यस सृजते विश्वम,
ये परमात्मा ने जो विश्व को उत्पन्न किया, ठीक है भाई, तत् पुमान अन्नथैतुम न कोपि सकता। संसार को भगवान ने जैसा बनाया है, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, कोई इसको अन्यथाकरण कर सकता है? कोई भी वस्तु जो है गर्म नहीं है, तो अग्नि क्यों गर्म हो गया, कोई कह सकता है? तो भगवान ने अग्नि का स्वभाव ऐसा बनाया है, इसको अन्यथाकरण कोई भी नहीं कर सकता है, समझ में ना। इसलिए कोई सर्वज्ञ सर्वसर्व है, जिससे कि परमात्मा से बना गया संसार को कोई भी अन्यथाकरण नहीं कर सकते। ये अर्थापत्ति से बोल रहे हैं, संसार बना हुआ संसार को कोई भी अन्यथाकरण नहीं कर सकता है, इसलिए कोई सर्वेश्वर है। ऐसा कोई सर्वेश्वर ना होता तो संसार में अन्यथाकरण जो नहीं हो पा रहा है, ऐसा ना होता, ऐसा, किंतु अन्यथाकरण कोई कर नहीं सकता संसार को, इसलिए सारे संसार को चलाने वाला कोई सर्वेश्वर, ये अर्थापत्ति सिद्ध हो जाएगा। अर्थापत्ति न्याय से कोई परमात्मा सर्वेश्वर तो है ही हो, भले उसका हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, ये बोलते हैं, ठीक है। ना कोपि सकता तेना, मतलब इस कारण से अयम सर्वेश्वर इति रीत, ये परमात्मा को सर्वेश्वर शब्द से कहा गया है ना। थोड़ी टीका ले लो, अयम आनंदमयो यत जागरदादि विश्वम सृजति। आनंदमय कहने से कौन, माया, और माया में रहने वाला जो परमात्मा, उसको लिए आनंदमय से, ठीक है। वही जो परमात्मा है अयम, यत जागरदादि विश्वम सृजति, है ना, आदि से क्या ले, स्वप्न को ले लो, है ना, जागृत आदि पूरे संसार विश्व को जो उत्पन्न किया करता है, तत् तत् तद विश्वम न केनापि अन्यथा कर्तुम शक्यते। कोई भी जीव अन्यथा, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, कोई भी अन्यथा करण नहीं कर सकता। इस विषय में विज्ञान भी मानते हैं, हाँ विज्ञान भी मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, नाम कुछ भी रख दो, चाहे उसको शक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, अदृष्ट कह लो, कुछ भी कह लो, कोई तो है जरूर सर्वेश्वर तो कोई है जरूर। और तो अयम, इस कारण से अयम सर्वेश्वर, ये परमात्मा तो सर्वेश्वरी है, कि अर्थापत्ति से हुआ, किससे, अर्थापत्ति से भी परमात्मा में सर्वेश्वर तो सिद्ध हो जाता है। श्रुति तो स्वयं बोलती है ये ऐसा सर्वेश्वर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।